कोरोना महामारी के चलते अभी तक व्यापार पूरी तरह से ठप पड़े हुए थे। ऐसे में बैंक की किस्तें तक निकलना व्यापारियों के लिए मुश्किल हो चुका था, लेकिन त्योहारों के चलते व्यापारियों में व्यापार बढ़ने की उम्मीद जगी है और दशहरे के बाद अब आ रहे करवा चौथ व्रत के उपलक्ष्य में बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है और ग्राहकों के लिए दुकानें भी सजी हुई दिख रही है। वहीं गृहिणियों द्वारा खरीदारी भी की जा रही है। बाजारों में पहले की तरह चहल पहल नजर आने लगी है। आस है कि सामान की बिक्री बढ़ेगी और मंदी के इस दौर से व्यापारियों को निजात मिलेगी। एक्चुअली ये कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो का कोविड का टाइम चल रहा है तो कारोबार टोटली ठप से, लेकिन हूँ त्यौहारों का सीजन शुरू होया और करवा चौथ का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है और मैं जितों तक समझना कि यह हिंदुस्तान का सब तो व्डा त्यौहार है, क्योंकि आम तौर पर अं जिन्हें त्यौहार देखने वह वो तो वह दो चार दिन के लिए होंगे, लेकिन ये जो करवा चौथ का त्यौहार है तकरीबन 18-20 दिन लगातार चलता है। मार्केट पहले नवरात्रे तो लैके करवा चौथ तक मार्केट के पूरी रौनक रहती है, क्योंकि हर जी धर्मपत्नी है अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए वो वर्त रखती है, क्योंकि जदों बहू है तो जो बेटी है माँ बाप अपनी बहू को भी अपनी बेटी को भी सुहाग दे पैसे देंगे कि जाके अपना शिंगार का समान परचेज करो। वो कारण हर सुहागन जी है वह आके परचेजिंग करती है और मैं समझना कि बहुत ज़्यादा रौनक है मार्केट के, हर सुहागन जी है अपनी पति की कामना लंबी उम्र की कामना करने के लिए मार्केट के आके परचेजिंग कर रही है। कोविड के कारण मंदी तो रही है, लेकिन त्योहारों में लोगों ने इतना बाहर निकलना शुरू कर दिया है, शॉपिंग करना शुरू कर दिया है। ये करवा चौथ का एक ऐसा फेस्टिवल है, लोग अपने वाइफ्स अपनी पति की लंबी उम्र के लिए तैयार होते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो फिर भी बाज़ार में इतनी रौनक है, सब कुछ मिल रहा है, लोग खुश होकर शॉपिंग कर रहे हैं और इस त्यौहार को एंजॉय कर रहे हैं। आप भी शॉपिंग के लिए? हाँ जी, मैं बैंगल्स लेने आई हूँ।